पेयर लेड इंटरवेंशन का मतलब क्या है? हम उम्र व्यक्ति उस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मम्मी पापा को जाके ये हर एक बात हम व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसलिए पेयर लेड इंटरवेंशन। पेयर लेड मतलब जो उनमें से कुछ बच्चे हैं वह जो है हस्तक्षेप करेंगे और उनको जानकारी देंगे। क्यों? कि वह जो है बच्चे अल्टीमेटली किससे दूर रहें? ड्रग से दूर रहें, किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन ना करें, ठीक है, और खासकर ना बोल पाए। किसी भी नशीली पदार्थ को लेके किसी परिस्थिति में अपने दोस्तों को ना बोल पाए कि नहीं मुझे नशा, ये नशा नहीं लेना, मुझे नशा नहीं लेना, ठीक है। ये बोल पाने की स्थिति में हो, वह जीवन कौशल उसमें आ जाए, उसके लिए ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम भारत सरकार ने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि 2001 में एक सर्वे हुआ, उसका रिपोर्ट 2004 में छपा, उसमें आंकड़े थे हमारे देश में कौन से लोग और कितने लोग किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। 2004 से 2017-18 तक कोई सर्वे नहीं हुआ। भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप कुछ सर्वे करवाओ, हमें पता चले कि क्या हो रहा है देश में। 2017-18 में आदेश पे, भारत सरकार को जो आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट के आदेश से ये सर्वे हुआ 2017-18 में। उसके आंकड़े 2019 में छपे, और 2019 में जो आंकड़े छपे उसके हिसाब से देखा गया कि हमारे देश में नशे की जो परेशानी है बहुत बढ़ चुकी है। आप अगर इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको थोड़ी सी जानकारी पता चल जाएगी कि वास्तव में हमारे देश का स्थिति क्या है नशे को लेकर। अगर कभी कोई प्रश्न पूछ लेगा, एक तो उसका जवाब दे पाएंगे, दूसरा आपको भी अच्छा ये लगेगा कि मुझे जानकारी है कि वास्तव में परेशानी कितनी बड़ी है और हम ये जो कार्यक्रम करेंगे इससे वास्तव में बच्चों को लाभ क्या मिलेगा। कम्युनिटी को हम सिलेक्ट करेंगे कि वहाँ पर बच्चों में खासकर खतरा कितना है कि वह नशे की ओर जा सके, कितना खतरा है उस क्षेत्र में उन बच्चों को, 10 से 17 के जो बच्चे हैं, कि वह हो सकता है नशे की ओर जाएंगे। तो वल्नरेबिलिटी इस एरिया की देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे कम उम्र में नशा लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा? एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, मोटी बात सार उसका, जितनी कम उम्र में लोग नशा लेना शुरू करेंगे उतनी ही ज्यादा उम्र तक नशा लेते रहेंगे। एक तिहाई जो हमारी आबादी है वो 35 से कम उम्र की है, इसका मतलब है कि हमारा देश यंगेस्ट है, सबसे कम उम्र के लोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा, वह तब रहेंगे जब वो नशे की ओर नहीं जाएंगे। अगर नशे की ओर जाएंगे तो वह जो आबादी अगर भगवान न करे मर गई या उनमें नशा आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मरेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि वह जो है नशे में व्यस्त हो जाएंगे। उसके कारण क्या होगा? प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो क्या होता? सर फिर गरीबी में पूरी लाइफ वैसे गुजारनी पड़ेगी। देश तो गरीबी में आ गया नहीं, दूसरा आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपनी लाइफ प्रोडक्टिवली जी पाएंगे, ना ही आप अपने फैमिली को कोई सपोर्ट कर पाएंगे, ना ही आपको कल को कोई जॉब मिल पाएगी, ना ही आप कहीं पर कोई काम कर पाएंगे, ना ही आप अपना कोई हो सकता है बिजनेस भी शुरू नहीं कर पाएंगे। इस सब के लिए कम से कम एजुकेशन ये बहुत जरूरी है। यंग जो है तब हम रहेंगे जब यंग लोग जिंदा रहेंगे। अगर ये नशा फैलता जाएगा, जितनी कम उम्र में शुरू होगा उतना ही फिर कभी बंद नहीं करेगा, वो व्यक्ति लेता रहे। लाइफ स्किल उनमें क्यों आना चाहिए? ताकि वो नशे से दूर रहें और सही फैसला जिंदगी में ले पाए, सही दिशा में जा पाए, सही चीज़ों को और वह चीज़ें जो उनके लिए महत्वपूर्ण है उसमें समय बिताएं, इसमें अपना समय व्यर्थ ना करें, नशा ना लें। एडिक्शन का मतलब क्या है? किसी भी चीज में आप समय से ज्यादा समय उसमें आप बिता रहे हो। इसके लिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, उसको चला रहे हैं, उसके कारण जो है ये कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो समूह हो, मोहल्ला हो, थोड़ा सेफ हो, जहाँ शाम को
घर परिवार से बिटिया निकली कुछ खरीदने निकली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बाप सोचेगा पता नहीं कि इसको कोई छेड़ ना दे, कोई परेशान ना करे, ठीक है। तो जेंडर वायलेंस ना हो। हम जो हैं, हम एक पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं जहाँ अधिकतर फैसला कौन ले रहे हैं, पुरुष ले रहे हैं। पुरुष किसका हित देख रहे हैं, अपना हित देख रहे हैं, महिलाओं का हित नहीं देख रहे। डोमेस्टिक वायलेंस के कारण और क्या क्या हो सकता है, फैमिली टूट सकती है। फैमिली अगर टूटेगी तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो उनको जो ध्यान मिलना चाहिए था नहीं मिलेगा। वह जो पैसा उनके खान पान और पढ़ाई में जाता वो किस में जा रहा है, शराब में जा रहा है, ठीक है। तो जितने संसाधन घर के थे वो शराब में लग गए, और ऊपर से मिसिस जो थी वो सोच रही थी कि अब थोड़ा सा जो बचा हुआ था उसमें कुछ कर लेती, वो भी चोरी हो गया। 85% लोग जो नशा लेते हैं सुई के माध्यम से होमलेस है, तो अल्टीमेटली होमलेस हो गया परिवार, जो होगा बच्चा होगा वो भी अल्टीमेटली होमलेस हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए नहीं है, रहने को नहीं है, क्या करेगा, वो भी सड़क पे आएगा। ये क्या क्या हो सकता है ये आपको बताया जाएगा, कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे बच्चों के साथ ये बताया जाएगा। इंटरेक्ट करने का मतलब आपको कोशिश करना है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना है, बच्चों को हेल्प करना है कि बच्चे अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को व्यक्त करें। अगर वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो वह कार्यशाला, वह कार्यक्रम, वह सेशन सक्सेसफुल सेशन नहीं। जितना बच्चे बोलेंगे, जितना इन्वॉल्व हो जाएंगे, जितना एन्जॉय करेंगे, जितना आपके साथ सेशन करके हो सकता है आपसे गुस्सा हो जाएंगे, उतना अच्छा, उतना ही आपके कार्यक्रम में थोड़ा सा फिर आगे जाकर रुचि लेंगे। तो इंट्रैक्शन किसी भी प्रकार से हो सकता है, उनके साथ गेम खेलिए, स्पोर्ट्स खेलिए। पर्पस ये है कि वो अपने आप को व्यक्त कर पाएँ, आपको अपने बारे में बोल पाएँ, आप अपने आप को उनके समक्ष रख पाएँ, अपने बारे में बोल पाएँ, उनको भी पता चले कि आपका कार्यक्रम क्या है, क्यों आप यहाँ आते हो, हमारा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा क्यों सेशन लेते हो। उसके लिए उनकी ज़िंदगी भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। S4D का मतलब है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, मतलब कुछ गेम्स ऐसा इसलिए खेलेंगे कि उनके विकास को लेके आप कुछ सूचनाएं उनको दे पाएँ, जानकारी दे पाएँ, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, अपने आप को थोड़ा वो व्यक्त कर पाएँ, ऐसा कुछ हो जो उनको अच्छा लगे। इसलिए ये अधूरा है, इसमें बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हैं। डांस हो सकता है, थिएटर हो सकता है, म्यूजिक हो सकते हैं। अगर आप में से किसी को गिटार चलाना आता है तो गिटार चलाइए, बच्चों को भी सिखाइए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि बच्चों को अच्छा जो लगे वह गतिविधि उनके साथ करें कि वो अपने आप को बच्चे व्यक्त कर पाएँ और इन्वॉल्व हो। जितना इन्वॉल्व होगा उतना आप उनको समझ पाएंगे, वह आपको कुछ अपने बारे में बोल पाएंगे। ये थोड़ा सा जानकारी लेना होगा, आंगनवाड़ी कहाँ है, NOI की क्या है, ये उनको जानकारी लेनी है। आप इनकी मदद कर सकते हैं, वहाँ के जो टीचर वगैरह हैं उनसे आप लोग बात कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। SHG मेंबर्स हैं, NGO हैं, आस पड़ोस में कोई पान की शॉप है, सिगरेट की दुकान है, उनके साथ बात कर सकते हैं। एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कि 18 से कम की उम्र को आप किसी तरह का पान पराग वगैरह नहीं बेच सकते, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे पूरे कार्यक्रम में, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको ऑब्जर्व रहना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेंट रहना, विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। विजिलेंट या ऑब्जर्वेंट रहने का मतलब क्या है, सतर्क रहना, आस पड़ोस में क्या हो रहा है उसमें रुचि लेना, देखना है, समझना है, आके फिर इनको बोलना, या आपके जो साथ में जो साथी काम कर रहे हैं उनको बोलना। ये मैंने आपको बता दिया पीयर का क्या मतलब है, क्राइटेरिया मैंने बोल दिया, पीयर के कुछ क्वालिटीज़ होने चाहिए, कुछ गुण हैं जो जिनके बिना नहीं हो सकता, उम्र की बात है, थोड़ा एक दूसरे की इज्जत करें, खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए एक पीयर का, क्योंकि आपका सेल्फ डिसिप्लिन है तभी आप एक दूसरे को बोल सकते हो कि ऐसा करो वैसे करो। अगर आप खुद ही लेट हैं तो अगले को थोड़ी बोल सकते हो कि लेट क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो आपको खुद पंक्चुअल रहना पड़ेगा तभी तो किसी को बोल पाएंगे। जेंडर को मैंने बोला आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, जेंडर रोल्स को लेके, जेंडर को लेके सतर्क और सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब हम पेयर की बात करें, 15 से 15 से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, मतलब 18 से कम पेयर की उम्र होनी चाहिए, लड़का लड़की दोनों होना चाहिए, वो आप लोग हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, आपको ऑब्जर्व करना है, सतर्क रहना है। कम्युनिकेशन स्किल, वार्तालाप करने का एक कौशल होना चाहिए, ठीक है, बातों को व्यक्त करना,
एक लहजे में बोलना, अपने हाव भाव के प्रति ध्यान रखना, इज्जत से बात करना, ये बहुत जरूरी है। कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए किसी को, अगर आपने हर्ट किया कुछ किया, माफ़ी मांगने के लिए कभी भी आपको संकोच नहीं होना चाहिए। इनिशिएटिव लेना है आपको, इनिशिएटिव का मतलब ये एक लीडरशिप का एक हिस्सा है कि अगर पांच लोग बैठे हुए हैं, पांच में से कुछ करने की बात जब उठे तो आप पहले व्यक्ति हो जो बोलो कि मैं करूँगा, आप आखिरी व्यक्ति नहीं हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो, एजुकेटेड ज़रूरी नहीं है, बट अगर हैं तो मतलब कम से कम लिखना पढ़ना आ जाए, बढ़िया है। रेस्पेक्टफुल बहुत ज़रूरी है, बोला मैंने, फ्रेंडली होना चाहिए, सेंसिटिव बहुत ज़रूरी है, किसी को हताश नहीं करना है, किसी को किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी को ऐसा मत बोलो कि वो इतना हर्ट हो जाए कि भाई साहब कल से तो इस क्लास में नहीं आऊंगा। पार्टिसिपेटरी होगा ये पता है आपको, ये कुछ शेड्यूल होगा, आप क्या क्या करवाएंगे, लाइफ स्किल सेशंस, जीवन कौशल पे बात करेंगे, आर्ट थेरेपी कराएंगे, डांस करेंगे, योगा करेंगे, लिटरेसी पे ध्यान देंगे। लिटरेसी पे ध्यान देना क्यों जरूरी है, कि जितने बच्चे हो हमें कोशिश करना है कि बच्चे स्कूल में, कि जितने बच्चे अगर ड्रॉप आउट हुए हैं उनका एडमिशन कराना हमारा काम है। अगर एडमिशन नहीं होगा तो ओपन स्कूल से उनका एग्जाम दिलवा देंगे, वो भी हमारा काम होगा, लेकिन उसके लिए लिटरेसी इम्पॉर्टेंट है, उनका होमवर्क कराना। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका होमवर्क कराना, ठीक है, जो नए बच्चे जा रहे हैं उनको पढ़ाना, तो ये समय देना होगा। S4D पे काम होगी, बात होगी, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट जो मैंने बोला था, गेम के माध्यम से लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ी सी आदत पड़ जाए किताबों को ले। रैपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे होगा, 15 से 20 बच्चों के साथ, हम में से हर एक व्यक्ति 15 से 20 बच्चों के साथ सेशन ले लेगा, क्लास ले लेगा। स्टडी ग्रुप का मतलब है कि वो चलता रहे, मतलब वो 2-3 महीना उनके साथ सेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है कि 10 दिन 15 दिन चला और सेशन खत्म। हाँ, तो पूरा कंप्लीट, जो बात उठी थी ना बीच में, काम को कंप्लीट करना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपका ये मैनुअल होगा जो मैडम आपके साथ डिस्कस करेगी, इसमें जितनी एक्सरसाइज हैं वो हमें ख़त्म करनी है, उसमें हमें 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, हमें पूरी एक्सरसाइज जो भी ये डिस्कस किया जाएगा ख़त्म करना, उन बच्चों को ये पूरी जानकारी धीरे 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 करके एक्सरसाइज के साथ दे देंगे। एक एजेंडा होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए जो आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आप जब फॉलो किसी शेड्यूल को करोगे तभी बच्चे उसको फॉलो करेंगे, तभी बच्चे आएंगे, तभी उसमें हिस्सा ले लेंगे। सेशंस रेगुलरली होना चाहिए, मतलब जब आपने एक सेशन तक का टाइमिंग फिक्स किया वो बदलना नहीं है, अगर बदलना है तो बच्चों को पहले बताएंगे, एडवांस में बताएंगे, एक हफ्ता पहले बताएंगे। बच्चों को मेरे पास जाइए, और बच्चों को लाने के लिए घरों में जाइए, अगर कोई नहीं आया उनके घर में जाइए, चिंता होनी चाहिए आप में कि ये आखिर क्यों नहीं आया 2 दिन से या 1 दिन से क्यों नहीं आया, उसके दोस्त से पूछिए, हो सकता है बोलेगा कि उनके घर में मैं नहीं जाता हूँ, आप जाइए, तो आप जाइए, खुद जाइए स्कूल के उसके घर में जाइए, पूछिए कि आपका ये बेटा जो था अमन ये क्यों नहीं आ रहा है, ये जो शाम है क्यों नहीं आ रहा है, मोनू जो है कल से क्यों नहीं आ रहा है, जाके पूछिए घर पर, ठीक है, उसके लिए घर जाना पड़े जाइए। अगर उनको कुछ चैलेंजेस आए हो सेशन को लेके या उस चीज़ को समझने को लेके जो आप उनको समझाना चाह रहे थे सेशंस में, उस पर थोड़ी सी उनसे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, उनको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, आपका सेशन कैसा लगा, आपका बोलने का तरीका उनको कैसा लगता है, आप जो बोलते हो क्या वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये आप लोगों के साथ उनको उनके साथ आप लोगों को बीच बीच में बैठना पड़ेगा, सामूहिक रूप से बैठें या इंडिविजुअल बैठें, बट बैठना ज़रूरी है ताकि आपको फीडबैक मिले कि आप वास्तव में जो सेशन ले रहे हो उससे उन बच्चों को कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एक ऑनरेरियम आपको मिलेगा, ऑनरेरियम मतलब पैसा मिलेगा, अब इसके लिए अकाउंट होना ज़रूरी है, तो आप लोगों को अकाउंट खुलवाना होगा। एक सकारात्मक सोच हो उस वातावरण में, उस समुदाय में, उसके लिए हमें कोशिश करनी है, इसके लिए हमें जितने लोगों से हो सकता है वहाँ पर, जितने परिवारों से, खासकर बच्चे आ रहे हैं उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, उनको पता होना चाहिए कि वास्तव में ये कौन व्यक्ति हैं जो हमारे बच्चों के साथ सेशन लेता है। कुछ इवेंट आप लोग कर सकते हो, डांस क्लास हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, थिएटर हो सकता है, हेल्थ चेकअप हो सकते हैं, पूरे समुदाय का हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं कि सब लोग आए, उनका हेल्थ चेकअप होगा, तो उसमें भी आप लोगों की थोड़ी सी उनके साथ
जान पहचान बढ़ जाएगी। लिटरेसी क्लासेस होंगे, नॉन फॉर्मल होंगे, वह बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में वह बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आ गए, उनको होमवर्क करने में आप लोग थोड़ी सी मदद करेंगे, ठीक है। आपका सेशन सीमित ये नहीं है कि केवल हमारे जो किताब में लिखा हुआ वही बताएं, उनकी होमवर्क भी कंप्लीट हो ये ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि अगर समुदाय में कोई बच्चा है जो नशा ले रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हम उनकी थोड़ी और मदद कर पाएं। हो सकता है उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मदद करना है, कोशिश करना है, आपको पता चल जाए ये बच्चे कौन है। नजरी के कारण ये समूह समुदाय से हट के रहते हैं, तो समुदाय से जब हट के रहते हैं तो किनको मिलाना चाहेगा आप अपने साथ? अपने जैसे जैसे और बच्चों को। तो आप यहां से तो आप काम कर रहे हैं, बच्चे दूर रहे, वहां से क्या होगा अगर आप इनके साथ काम नहीं करेंगे तो? और बच्चे इनकी तरफ बन जाएंगे। इनकी मदद करना बहुत जरूरी है, इनकी बीमारी का इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी बीमारी का इलाज होगा तो ये अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और हो सकता है कल को जाके ये भी आपके जैसे पेयर एजुकेटर बन सके। इनको भी लगेगा कि हमें अब किसी की मदद करनी चाहिए। हम एक सेशन जो है, एक समूह जो है, 3 से 6 महीना उनके साथ हम सेशन करते रहेंगे। लॉन्ग टर्म बहुत जरूरी है, ये बस एक आध महीना 15 दिन 20 दिन का काम नहीं, समय लगता है। बीच में हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फेज आउट करेंगे। फेज आउट का मतलब समुदाय में 500 बच्चे, 500 बच्चों को हमने 1-1.5 साल में कवर कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप? और 500 ढूंढेंगे, और दूसरा कोई समुदाय ढूंढेंगे जहां और 300-400 बच्चे हैं जिनको जरूरत है, वहां जाएंगे। यहां हम सालों साल नहीं रहेंगे, 1-2 साल 1.5 साल, उसके बाद दूसरी जगह जाएंगे। फेज आउट उसका मतलब एक ही जगह नहीं रहेंगे। हम और हमारा जो पेयर एजुकेटर्स का जो टीम है, स्टाफ है, वो दूसरा कोई समुदाय भी आइडेंटिफाई करेंगे। इनका हम जो भी लिंकेज की जरूरत है, टाई अप करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत है, वो हम मदद करेंगे। उसके लिए रिसोर्स मैपिंग होना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपका एक नेटवर्क होना चाहिए। एसपीएम इंडिया में चैनल है, उसको देख लीजिए, यूट्यूब उसको देखिएगा, ठीक है।